हे व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का थीम। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। उससे पहले यहाँ पर मैंने कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारी थीम जो है अप्लाई नहीं होता जो आप देते हैं, तो उनको मैं बता दूँ, जस्ट आपने यहाँ पर अपने मोबाइल के मुताबिक एक कोड होता है उसको आपने चेंज करना होता है। तो कहीं के जो है यूज़र, ज़्यादातर यूज़र के फ़ोन में जो है थीम अप्लाई हो जाता है, क्योंकि कई यूज़र के फ़ोन में अप्लाई नहीं होता। तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उनके जैसे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ किस तरह हम अपने जो है किसी भी थीम को अप्लाई करवाएं अपने फ़ोन में, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको तो यह तमाम की तमाम प्रॉब्लम जो हल हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको जो थीम दिखाने वाला हूँ उसका नाम है सिटी थीम, टाइम सिटी सॉरी। तो ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की थीम है। यहाँ पर देखने में उसकी लुक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, जब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का लगेगा। तो इसमें जस्ट आपको यहाँ पर जो बहुत ही अमेजिंग का UI दिया गया है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एक फ्रेम की तरह जो है आपका फ़ोन जो है वर्क करेगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपकी स्टेटस बार भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है थोड़ी सी, वहाँ पर जो है कुछ शेडो वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा जो है बैकग्राउंड जो है वाल पेपर आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट से, जब मैं इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो पीछे सा लग रहा है। और यहाँ पर मैं फिर फोल्डर वगैरह को ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा किस तरह का लुक देता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो है थीम है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप टैप करें और आप आसानी से उसको जो है इस थीम को डाउनलोड करें, अपने फ़ोन में अप्लाई करें। किसी भी प्रॉब्लम फेस आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूँगा जितना मेरे से हो सका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इंग्लिश, तब तक के लिए बाय बाय।